जादुई दिया। एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। गांव के सब लोगों ने अपने घर के बाहर सजावट की थी और दिए भी लगाए थे। पर उस गांव में एक बच्चा था, अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, मैं अभी लाया। ये कहकर टीनू घर के अंदर जाता है। बाबा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है? तभी टीनू बाबा के लिए पानी लेकर आता है और बाबा खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं। बाबा बच्चे से पूछते हैं, बेटा क्या बात है, तुम क्यों उदास हो जबकि चारों तरफ खुशी का माहौल है? और दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए भी नहीं जल रहे हैं, क्या बात है मुझे बताओ। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ सारा दिन दूसरों के घर के काम करती है, तब जाकर दो वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकता, हम कहां से दिवाली मनाएंगे? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज दिवाली के दिन एक उपहार देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा उसे एक जादुई दिया देते हैं। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। टीनू को दिया देते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इससे कुछ मांगना, बाहर का कोई भी आदमी इसे ना देखे, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी। इतना बोलते ही बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिए की रोशनी देखकर टीनू बहुत ही चकित हो जाता है। टीनू दिए को लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को बाबा जी की सारी बात बता देता है। माँ दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद देती है। दीपक दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही टीनू का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ये देख माँ और टीनू बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीनू दिए से कहता है, दीपक दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। तब टीनू दीपक से कहता है, दीपक दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और दीपक उनकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है और टीनू को गले से लगा लेती है। बेटा, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। धीरे धीरे टीनू के घर की हालत सुधर जाती है और वो स्कूल भी जाने लगता है। टीनू अब इस दिए की मदद से गरीबों को रोज खाना भी खिलाता है और लोगों की बहुत मदद भी करने लगता है। एक दिन की बात है, टीनू का दोस्त मोंटू टीनू को मिलने उसके घर आता है। मोंटू दिए को देखकर टीनू से पूछता है, अरे टीनू, ये दिया कहाँ से मिला, इसकी रोशनी तो बहुत अच्छी है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है, इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा ऐसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, तो रुको मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाता हूँ। दीपक दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए।
टीनू के इतना बोलने से ही अचानक दिए की रोशनी गायब हो जाती है। ये देख मोंटू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है और टीनू जोर जोर से रोने लगता है। टीनू का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। टीनू तब रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टीनू की माँ को बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। बेटा टीनू, तुम्हें बाबा ने कहा था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का इस्तेमाल मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टीनू दिए के सामने हाथ जोड़कर बाबा को याद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दिखावे के लिए इस दिए का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं और वो टीनू से कहते हैं, टीनू मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में तुम मेरी बातों को भूल गए। बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। और फिर बाबा टीनू को माफ कर देते हैं और दिए की रोशनी वापस आ जाती है और टीनू से वचन लेते हैं कि इस दिए का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करना है, ना कि अपने दिखावे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। जादुई मटका। एक गांव में एक किसान रहता था। वह एक जमींदार के यहाँ खेती का काम करता था और बहुत गरीब भी था। एक दिन वर्षा के आगमन से पहले बुआई के लिए वह खेतों में खुदाई कर रहा था। अचानक जमीन में उसे बड़ा सा मटका मिल गया। उसने मटका बाहर निकाला और सोचा, इसका क्या प्रयोग हो सकता है। मटके को किनारे पर रखकर वह काम में जुट गया। दोपहर के भोजन के समय वह अपनी कुदाल मटके में डालकर पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने लगा। भोजन के बाद जैसे ही वह खेत में गया, वह मटका देखकर हैरान रह गया। अरे यह क्या, मैं तो एक ही कुदाल रख कर गया था, यह मटका तो 100 कुदालों से भर चुका है। यह कोई मामूली मटका नहीं, जादुई मटका है। शाम को घर जाते समय मजदूर वह मटका अपने घर ले गया। जादुई मटके की मदद से अब वह धीरे धीरे अमीर होता चला गया। उसके पास अब पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और खाने के लिए अच्छा भोजन भी था। यह सब देख जमींदार को उस पर शक होने लगा। अचानक यह इतना धनवान कैसे हो गया, मुझे पता लगाना होगा। जमींदार मजदूर का पीछा करने लगा और उसे सच्चाई का पता चल गया। अगर यह मटका मुझे मिल जाए तो मैं और धनवान बन सकता हूँ। जमींदार ने मजदूर को डरा धमका कर मटका हासिल कर लिया और अपने घर ले आया। अब वह अपने धन जैसे हीरे जवाहरात को मटके में डालता और वह 100 गुना बढ़ जाते। जल्द ही यह बात राजा को पता चली और राजा ने जमींदार से कहा, यह मटका मेरे राज्य की भूमि से मिला है, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। राजा यह कहकर मटका अपने साथ ले गया और राजमहल में पहुंचकर खुश होने लगा। मैं भी तो देखूं कि यह मटका क्या कमाल दिखाता है। अब तो यह जादुई मटका मेरा है, मैं पूरे देश पर राज कर सकता हूँ। अचानक जैसे ही राजा मटके के पास गया, उसका पैर फिसला और वह मटके में जा गिरा। बस फिर क्या था,
एक एक करके मटके में से 100 राजा बाहर आने लगे। मैं राजा बनूंगा। नहीं नहीं, मैं राजा बनूंगा। मैंने कहा मैं राजा बनूंगा। अरे मैंने कहा मैं असली राजा हूँ। तुम सब हट जाओ, मैं हूँ असली राजा। धीरे धीरे सभी राजा एक दूसरे से लड़ते लड़ते मर गए। लालच बुरी बला है।